सो वेलकम गाइज ऑन बैक बेंचर मेडिको जहां पे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, शुरू करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रीशन तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रीशन में हम देखेंगे क्या है तो सो so, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स देखेंगे इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन कैलरी माल न्यूट्रिशन इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन कैलरी मालन्यूट्रीशन वाइडली प्रीवेलेंट इन इन्फंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रंस तो ये मोस्टली कहाँ पे uh, पाया जाता है इनफंट्स एंड फ्री स्कूल चिल्ड्रन में सो देखते हैं इसमें सबसे पहला क्या है तो सो so, क्या इसमें हम देखेंगे सबसे पहले का तो देखेंगे कौशियोकर में क्या है तो इट इज प्रिवेंटली फाउंड इन चिल्ड्रन बिटवीन वन टू फाइव ईयर ऑफ एज तो ये कहां पे देखा जाता है कहाँ पे पाया जाता है चिल्ड्रन्स uh, में uh, जो कि एक से पांच ईयर के uh, पांच साल के बीच में होते हैं दिस इज प्राइमरि ड्यू टू इनसेफिशियंट इनटेक ऑफ प्रोटीन तो ये प्रोटीन का डिफिशियंसी होता है डाइट एज अ डाइट ऑफ विनिंग चाइल्ड मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और चाइल्ड्स के जो वन टू फाइव ईयर के बीच में होते हैं साल के होते हैं उनके डायट uh, में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण ज्यादा होता है सो so, नेक्स्ट हम देखेंगे बाद हम देखेंगे क्लिनिकल सिम्टम्स तो क्लिनिकल सिम्टम्स में हम देखेंगे कॉशोकर इंक्लूड स्टंटेड ग्रोथ इडिमा पर्टिकुलरली ऑन लेग एंड हैंड्स डायरिया डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड हेयर एनीमिया अफैथी एंड मूनपेस्ट तो इसके ये क्लिनिकल सिम्टम्स है उसके बाद हम देखेंगे इसके बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन तो बायोकेमिकल में हम देखेंगे मैनिफेस्टेशस्योकर इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज प्लाज्मा एल्बोमिन कॉन्सेंट्रेशन तो इसमें क्या होता है कॉश्योकर में प्लाज्मा अल्बुमिन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है जो कि दो ग्राम पर डीएल से कम हो जाता है जो, जो कि नॉर्मली होता है थ्री टू फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव ग्राम पर डीएल इसमें फैटी लिवर भी देखा जाता है डिफेंसी ऑफ विटामिन के ड्यू टू डायरिया इडिमा ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ द एडिक्वेट प्लाज्मा इडिमा क्यों क्यों होता है ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट प्लाज्मा प्रोटीन्स टू मेंटेन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन बॉडीज एंड टिश्यू क्योंकि यहां पे क्या होता है प्रोटीन्स लॉस हो जाते हैं और उसके कारण क्या होता है जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि प्रोटीन के वजह से होता है ऑनकोटिक प्रेशर ऑनकोटिक प्रेशर टर्मिनोलॉजी है वहां पे उसकी वजह से जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बराबर नहीं होता इसकी वजह से क्या होता है इडिमा कॉज हो जाता है द डिस्ट्रीब्यूशन इन द मेटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व तो यहां पे क्या होता है बहुत सारे मेटाबोलिज्म में भी फॉल्ट uh, दिखाई दिखता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट के सेवरल विटामिन डिफिशंसी ऑकर द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द चाइल्ड टू द इन्फेक्शन इज वेरी लो तो यह होगा हमारे बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ Uh, कौशो का उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट्स तो ट्रीटमेंट्स सो uh, so उसके बाद हम देखना है ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे इंजेक्शन ऑफ प्रोटीन रिच फूड्स तो यहां पे हमें क्या करना है डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स ऐड करने हैं डायटरी कॉम्बिनेशन प्रोवाइड अबाउट थ्री टू फोर ग्राम ऑफ प्रोटीन पर के जी विथ कंट्रोल विल कंट्रोल द कौशो का तो हमें क्या करना है थ्री टू फोर ग्राम ऑफ प्रोटीन पर के जी देना है Uh, the treatment can be monitored by measuring plasma albumin concentration, uh, the disappearance of the edema, and gain in the body weight. So, ये जो है, ये हो गया हमारी treatment. So, guys, कौशोगर के बाद हम देखेंगे marasmus. तो देखेंगे marasmus में क्या होता है? Mainly occurs in the children under one year of age. ये uh, uh infants में दिखाई देता है, जो कि एक साल से कम के होते हैं. Marasmus is predominantly due to deficiency of the कैलरीज तो मैरासम्स किसकी वजह से होता है कैलरीज uh, uh, जो हमारी इनटेक कैलरीज होती है उसकी जो वो बॉडी uh, के लिए साझा नहीं होती है दिस इज यूजुअली ऑब्जर्व इन द चिल्ड्रन गिवन वाटरी ग्रोल्स ऑफ सीरियल्स ट्रू सप्लीमेंट द मदर्स ब्रिज तो जो uh, जिन चिल्ड्रन में हम मदर मिल्क uh, को सब्सिट्यूट कर देते हैं वाटरी ग्रोल्स ऑफ सीरियल्स के साथ वगैरह तो उनमें ये मरसमस दिखाई देता है मैरासमस सिम्टम्स ऑफ मैरासमस इंक्लूड तो सिम्टम्स क्या है ग्रोथ रिटायडेशन मसल वेस्टिंग एनिमिया एंड वीकनेस तो ये हो गए इसके सिमटम्स चाइल्ड डज नॉट शो इडिमा और डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा अल्बोमिन तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है मैरासमस uh, में क्या होता है इडिमा uh, वगैरह नहीं होता है बॉडी पे और प्लाज्मा एल्बोमिन कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होता इसमें so, सो यहां पर हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन uh, का चार्ट देख लेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे बायोकेमिकल पैरामीटर्स तो उसमें पहले हम देखेंगे कौशोकर और मारासमस तो देखेंगे एज ऑफ ऑनसेंट्स तो तो ऑनसेट का एज क्या है ये जो है कौशोकर एक से पांच साल के बच्चों में पाया जाता है और मायरासमस जो है वो इन्फेंट्स में होता है जो कि एक साल से कम के होते हैं मेन न्यूट्रिशनल कॉज लो प्रोटीन इंटेक्ट और यहाँ पे लो कैलोरी इंटेक्ट तो कौशोकर में क्या होता है हम प्रोटीन डाइट में प्रोटीन कम लेते हैं और मैरास में तो पूरा डायट ही कम होता है क्योंकि पूरा कैलोरी यहाँ पे कम होती है तो ग्रोथ माइल्ड रिटार्डेशन सीवियर रिटार्डेशन तो यहाँ पे ग्रोथ माइल्ड रिटार्डेशन दिखाई देती है ग्रोथ की और यहाँ पे सीवियर रिटार्डेशन मतलब यहाँ पे ग्रोथ रिटार्डेशन होता है एडिमा जो कि बहुत कैरेक्टराइज uh, फीचर है कौशोकर का uh, तो कौशोकर में प्रेजेंट होता है और मैरास में अबसेन्ट एबडोम एब्डोमिन प्रूडिंग होता है और यहाँ पे श्रंकन फेशियल अपियरेंस कैसा होता है कौशोकर में मून फेस और इसमें ओल्ड मैन फेस मैरास में नेक्स्ट है मसल्स तो यहाँ पे मसल्स वेस्टिंग हो जाती है कौशोकर में और इसमें वी कैन अट्रोपिक मसल्स दिखाई देते हैं मैरासिस में सब्सकुटेनियस फैट प्रेजेंट होता है यहाँ पे और यहाँ पे अबसेट होता है सिरेमोग्लोबिन लेवल कौशाकर में कम हो जाती है और इधर यहाँ पे नॉर्मल होते है तो कौशर में कितना होते हैं जीरो पॉइंट फाइव टू टू ग्राम पर डीएल एंड यहाँ पे टू टू थ्री ग्राम पर डीएल योग्य आम्हाला डिफरन्सिएशन बिट्वीन कॉशोकर अँड मॅरॅसमस